रहमतुल्लाहि व थोड़ा बरकातुहू। बाहर और भाई, गया था जिसके लिए इसलिए हाँ थोड़ा चलें, एड्स हो गए होते आपसे। हैं। सब खैरियत से? अच्छा, हाँ आवाज़ बराबर आ रही है ना? थोड़ा हाँ डिस्टरबेंस रहेगा, मैं थोड़ी देर बाद दरवाज़ा बंद करूँगा तो सब ठीक हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं का आ काम रही है। आपकी आवाज़ आ रही। चले आओ। तो सबसे पहला क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा, बराबर? क्रेडिट ट्रांजेक्शन में पहला एंट्री क्या लिखेंगे हम लोग? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अकाउंट। सही है ना? हम लोग अभी रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे बताइए स्टार्टिंग बच्चों। से बुक जाएगा बिल ड्रॉ, बिल हाँ, बिल ड्रॉ की एंट्री बोलो। बिल रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल डेबिट टू अकाउंट ड्रॉवी टू अकाउंट। ड्रॉवी हाँ अकाउंट। डेबिट टू ड्रॉवी हाँ अकाउंट, वेरी अकाउंट। गुड, सबके आवाज आएंगे तो अच्छा लगता है, नाजिन भी बोल रही है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है? बिल कहीं नहीं गया बिल तो ड्रॉवर के सेंड। पास है, ये केस वन हो गया। बिल हाँ रिटेन विद हिम बोल सकते हैं या विद बिल रिटेन विद द ड्रॉवर बोल सकते हैं, बराबर ना? अगर हाँ बिल हम लोग ने बैंक हाँ में आके डिस्काउंट किया तो एंट्री क्या लिखेंगे बोलो? बिल हमने कैश बैक बैंक में अकाउंट डेबिट, बिल कैश अकाउंट और डेबिट बैंक टू बिल अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट, डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बराबर डेबिट ना? टू बिल अगर बिल रिसीवेबल अकाउंट। एंडोर्स किया तो एंट्री क्या लिखेंगे? एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अगर टू बिल बैंक फॉर कलेक्शन के रिसीवेबल पास गया तो एंट्री क्या लिखेंगे? बीएफसी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, रिसीवेबल अकाउंट। बराबर ना? उसके बाद पक्का पक्का हाँ डिसऑनर ही होगा बिल जाने के बाद, क्योंकि अगर तीन एंट्री में प्रॉब्लम खत्म हो गया, चार एंट्री में प्रॉब्लम खत्म हो गया तो 10 मार्क्स तो मिलेंगे नहीं उसके, आपको पक्का डिसऑनर होगा प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए। तो हाँ डिसऑनर तभी भी बिल डिसऑनर होगा, आंख बंद करके हम लोग क्या करेंगे? ड्रॉवी अकाउंट ड्रॉवी डेबिट, को ड्रॉवी डेबिट अकाउंट डेबिट, करेंगे, ड्रॉवी ड्रॉवी को अकाउंट डेबिट, डेबिट ड्रॉवी अकाउंट करेंगे, डेबिट। ड्रॉवी अकाउंट केस डेबिट। वन में किसको क्रेडिट करना है? टू बिल रिसीवेबल को। केस टू में किसको क्रेडिट करना है? टू बैंक को। केस थ्री में किसको क्रेडिट करना है? टू एंडोर्सी को। केस फोर में किसको क्रेडिट करना है? टू बीएफसी को। और दो अलग अलग बीएफसी करना है, केस वन में और केस फोर में। किस किस को अलग से लिखेंगे हम लोग? टू नोटिंग चार्जेस, टू नोटिंग चार्जेस। को तो केस वन का डिसऑनर बोलो, मैं सुन रहा हूँ। केस वन का डिजाइनर केस हाँ ड्रॉ या अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू नोटिंग चार्जेस, बराबर है? केस टू का डिसऑनर बोलो बच्चा लोग। ड्रॉ या अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नोटिंग चार्जेस मिला के लिख देंगे। केस थ्री का डिसऑनर बोलो। ड्रॉ या अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट, नोटिंग चार्जेस मिला के लिख देंगे। केस फोर का डिसऑनर बोलो। ड्रॉ या अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी बीएफसी अकाउंट टू टू बी एफ नोटिंग सी चार्जेस, अकाउंट टू नोटिंग चार्जेस। वेरी गुड। अच्छा, यहाँ तक तो हम लोग पहुंचे थे। फिर हम लोग ने रिन्यू देखा था, रिन्यूअल का केस, बराबर है ना? रिन्यू के केस में क्या होता है? हाँ पहले तो हम लोग को डिजोनर की एंट्री पास करना है, अगर प्रॉब्लम में नहीं भी बोला तो, ठीक है ना? फिर हम लोग को ये पता लगाना है कि इंटरेस्ट का पैसा कैश के साथ में आ रहा है कि इंटरेस्ट का पैसा बिल के साथ में आ रहा है। अगर कैश के साथ में आ रहा है तो हम लोग पहले इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, फिर कैश हाँ लेंगे, फिर क्या करेंगे? न्यू बिल ड्रॉ करेंगे, हाँ बराबर ना? अगर इंटरेस्ट का न्यू पैसा बिल किसके ड्रॉ साथ में आ रहा है? करके बिल बिल के साथ में आ रहा है, तो पहले कैश ले लेंगे, फिर इंटरेस्ट के चार्ज साथ करेंगे, फिर न्यू बिल के साथ में फिर इंटरेस्ट का पैसा इंटरेस्ट मिला चार्ज के लेंगे, करेंगे। बराबर है? ठीक है ना? हम लोग ने इसके रिन्यू के ऊपर कोई प्रॉब्लम किया था क्या? एक आध प्रॉब्लम? के ऊपर एक प्रॉब्लम किए थे। अच्छा, एक प्रॉब्लम किया था, अभी बहुत सारे हाँ प्रॉब्लम हाँ करेंगे, अभी बहुत प्रॉब्लम है बहुत, क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम चैप्टर के अंदर जाने के बाद बहुत कुछ करेंगे। जब तक आप लोग ना पेज नंबर 358, पेज नंबर 358, क्वेश्चन नंबर 42, हाँ एक मिनट क्वेश्चन नंबर 42, प्रॉब्लम पढ़ने से पहले आप लोग देख लो कि किसका बुक पूछा है, ड्रॉवर का बुक पूछा है कि ड्रॉवी का बुक पूछा है। पेज नंबर थ्री फिफ्टी पेज नंबर एट वापस से बोल देना एक बार। थ्री फाइव एट 358, 58 हाँ 358 पे क्वेश्चन नंबर 42, लास्ट लाइन पढ़ के देखो ना कौन सा ड्रॉवर बुक पूछा है। की पास जनरेटेड इन द बुक्स ऑफ शोभा, तो मुझे लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ शोभा। दुआ में याद रखिए क्या लिखेंगे अपन? ड्रॉवर, सही बोला हमारे नाज़रीन ने, ड्रॉवर। ड्रॉवर। चलिए अब मैं रीड करता हूँ, देखते हैं कैसा कैसा है। एक मिनट दीजिए, मैं दरवाजा बंद।
फर्स्ट ट्रांजेक्शन रीड करें बेटा आप लोग ने। उषा परचेज गुड्स फ्रॉम शोभा ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 5000। उषा ने परचेज किया उधार में किससे? शोभा से। इसका मतलब शोभा ने उसको क्या किया? सोल्ड किया। तो डेट तो नहीं है, आप लोग ने साइड में सीरियल का कॉलम मैंने देखा बहुत अच्छे से नाजनीन ने बना के भेजा था आप लोगों ने। चलो मेरे को अभी एंट्री बताओ क्या लिखूं मैं। ड्रॉवी, तो ड्रॉवी कौन हो जाएगा? उषा अकाउंट डेबिट, सही है ना? तू क्या आ जाएगा? सेल्स अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना बनेगा इसका? 5000। नरेशन अभी आप लोग लिखेंगे, जो नया नरेशन रहेगा मैं बताऊंगा। बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है ना? क्रेडिट। चलो नंबर टू देखते हैं क्या है आगे। पक्का तो बिल ड्रॉ ही होने वाला है। एन एक्सेप्टेड बिल ड्रॉन बाय शोभा, क्या करेंगे बताइए? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, ड्रॉवी का नाम आ जाएगा क्या? जाएगा उषा अकाउंट। बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, नरेशन बोल रहा हूँ मैं आप लोग को। वेरी गुड, अभी आ जाएंगे थर्ड वन में आ जाएंगे। क्या बोलते हैं थर्ड वन? क्या होता है देखते हैं ना। उषा अप्रोच शोभा विथ रिक्वेस्ट टू रिन्यू बिल, अंडरलाइन करो रिन्यू, बिफोर द ड्यू डेट। उषा अप्रोच शोभा विथ अ रिक्वेस्ट टू रिन्यू अ बिल। रिन्यू को अंडरलाइन करके क्या लिखेंगे यहाँ पे? डिसऑनर, क्योंकि डायरेक्ट रिन्यूअल के लिए जा नहीं सकते, पहले क्या करना पड़ेगा? बिल को डिसऑनर करना जरूरी, डिसऑनर करना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताओ, बिल ड्रॉन होने के बाद कहीं गया क्या बच्चा लोग? और नहीं, डायरेक्टली ड्यू डेट आ गया। इसका मतलब ये कौन सा केस हो गया? केस वन, क्योंकि बिल कहीं पर भी गया नहीं। बराबर बोल रहा हूँ ना मैं? नहीं। तो डिसऑनर कौन से केस का पास करना पड़ेगा अपने को? केस वन का डिसऑनर पास करना पड़ेगा। तो केस वन का डिसऑनर है तो, या कोई भी डिसऑनर है तो पहले हम लोग किसको डेबिट करते हैं? ड्रॉवी को। तो उषा अकाउंट ड्रॉवी को डेबिट करेंगे। फिर टू क्या करेंगे? केस वन है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ? टू बोलिए, बिल इंटरेस्ट Receivable account. To bills receivable account. Bill noting charges भी अलग से लिखना पड़ेगा ना? To noting charges account. ठीक है ना? तो noting charges तो problem में नहीं दिया हुआ, तो dash हो जाएगा। और यहाँ पर भी कितने आ जाएंगे? 5000। और यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे? 5000। जुल्फिकर में directly अपना renewal में नहीं गया, पहले मैंने dishonor किया। अभी interest वगैरह हम लोग देखेंगे कितना है क्या है, ठीक है ना? चलो नरेशन बोलो। बीइंग बिल डिसऑनर, नरेशन क्या बनेगा? बीइंग बिल डिसऑनर। अब आगे देखते हैं। देखो लास्ट लेक्चर में तो मैंने आपको ओरली समझाया था, अभी से हम लोग क्या करेंगे ना, वर्किंग बना करके करेंगे। क्या बनाएंगे अपन? वर्किंग। अब कितने का बिल था पहले ये बताइए। अच्छा शायद ये मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, किसका आया है दूसरा का? किधर मीटिंग? यही तो है, इसमें होगा। ठीक है, बड़ा कर दूंगा। फाइव थाउजेंड का बिल था, आया है फाइव थाउजेंड का बिल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ज्वाइन नहीं किया मीटिंग अभी तक आप? हाँ तो देखो, कोशिश करो यहाँ पे जैसे मेरे को एडमिट का आएगा, मैं जब से एडमिट करने के लिए ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे एक्सेप्ट तो यहाँ मिल ही नहीं रहा है मेरे को। हाँ देखो, आपका वाईफाई है कि क्या है? मोबाइल यूज़ कर रहे हैं? हाँ तो देखो, कोशिश करो आप, मैं वापस लिंक भेजता हूँ उसका। क्या है ना, आपके पास कनेक्शन बराबर रहना चाहिए, नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम दिखाते। हाँ चलिए बच्चा लोग, हमें करना क्या है मालूम है क्या? जब भी बिल डिसऑनर होगा ना, अपन एक वर्किंग बनाएंगे। वर्किंग का नाम देखो मैं कैसे कैसे दे रहा हूँ। पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं ओल्ड बिल। क्या लिखते हैं? ओल्ड बिल। ओल्ड बिल कितने का था बोलो? 5000 का। उसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे मालूम है क्या? कभी भी नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस प्रॉब्लम में नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब क्या करेंगे पता है आप? इन दोनों को ऐड करेंगे, टोटल कितना बनता है बोलो?
5000 प्लस नहीं, मतलब 5000 ही बनता है ना। अब इस इन 5000 को अपने को दो हिस्से में डिवाइड करना है, बराबर ना, दो उसमें डिवाइड होएगा नहीं, कैसा डिवाइड होगा मैं करके बताता हूँ आपको, मैं कुछ चीज़ में आपको प्रेजेंटेशन के लिए लेता हूँ। क्योंकि अभी ऐसा चौक करेगा तो ऐसा ऐसा कर देंगे, यहाँ पे ऐसा करना पड़ता है ना। अब समझ में आएंगे, 5000 में दो हिस्से कर रहा हूँ, एक जगह लिख रहा हूँ मैं कैश और दूसरी जगह में लिख रहा हूँ बैलेंस, है ना। 5000 में अभी कितना अपने को क्या मिल रहा है, कैसा हो रहा है अभी हम लोग देखेंगे। चलो आ जाइए, रीड करते हम लोग। शोभा एग्रीड बट विद द कंडीशन दैट, शोभा मान गई लेकिन उसका कंडीशन है, क्या कंडीशन है देते हैं, उषा शुड पे रुपीज 3000 विद इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 60। उषा कितना देना चाहिए, 3000 देना चाहिए, और किसके साथ में देना चाहिए, इंटरेस्ट के साथ में देना चाहिए। बताओ केस ए करूं या केस बी करूं, केस ए करेंगे, वेरी गुड। इसका मतलब देखो कैश कितना आ रहा है बताओ बेटा मेरा, 3000, और उसके साथ में हम लोगों को क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, और इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 60 रुपीज आ रहा है। इसका मतलब टोटल कैश कितना आ रहा है, 3060, ये समझ गया। अच्छा पांच में से इधर तीन चले गए, बैलेंस कितना बचता है, 2000, बराबर ना। ये 2000 का आप क्या करेंगे, 2000 का क्या होगा बच्चा लोग, ये हो जाएगा न्यू बिल। वर्किंग समझ में आया सबको, ये हमेशा ऐसा ही बनेगा, ओल्ड बिल लेना है, नोटिंग चार्जेस को ऐड करना है, फिर टोटल निकालना है, उसके बाद दो हिस्से करना है, कैश अलग बैलेंस अलग। अब देखना इंटरेस्ट किसके साथ में आ रहा है, कैश के साथ में आ रहा है तो केस ए बन जाएगा, बिल के साथ में आ रहा है तो केस बी बन जाएगा। अब बताओ केस ए के मुताबिक पहला एंट्री क्या होना चाहिए, सुन रहा हूँ मैं, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, वेरी गुड, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू, तो ये हो जाएगा उषा अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है ना। नरेशन लिखू इसका कितना आएगा बोलो, इंटरेस्ट का अमाउंट लिखेंगे 60, इधर 60 लिखेंगे, यहाँ पे भी 60 लिखेंगे। चलो इसका नरेशन लिखता हूँ, शायद याद नहीं हो रहेगा अभी तक, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, ठीक है ना। हाँ उसके बाद फिर क्या करेंगे बताइए, कैश रिसीव इंटरेस्ट, हाँ कैश रिसीव करेंगे, कैसा करेंगे, कैश अकाउंट कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू उषा अकाउंट, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कितना कैश लू बताएंगे, कोई वर्किंग अपने सामने है, कैश लेंगे 3060, वेरी गुड, 3060 आएगा। नरेशन क्या लिखूंगा मैं, बीइंग कैश रिसीव्ड विद इंटरेस्ट, कैश पूरा लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, इंटरेस्ट बहुत अच्छी बात है, इंटरेस्ट। चलो फिर क्या करेंगे, न्यू बिल ड्रॉन करेंगे ना बेटा, हाँ एंट्री तो सेम रहेगी ना, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट रिसीवेबल अकाउंट टू ड्रॉवी अकाउंट, उषा अकाउंट, वेरी गुड। बीइंग बिल ड्रॉन बोलो कितने का बिल ड्रॉ करूं, 2000। आप समझ में आ रहा ना अच्छे से, आपको बैलेंस कैसा है, कैश कैसा है, इंटरेस्ट का। अब आगे पढ़ते हैं ना क्या हो रहा है, देखते हैं ना। These arrangements were duly carried out through. The new bill was met on the due date. नए बिल का पैसा हमें मिल गया, बताओ क्या करेंगे, पैसा मिल गया तो एंट्री बोलो क्या पास करेंगे, कैश बैंक आ जाएंगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या हो जाएगा, क्या चला जाएगा हमसे, बिल चले जाएगा, तो बिल चला जाएगा। इसका मैं नरेशन लिख देता हूँ, बीइंग बिल हॉनर। अब बताओ कितना लिखूं मैं, कितने का बिल हॉनर हुआ, 5000 का क्या 2000 का, 2000 का, वेरी गुड, ये नए बिल की बात हो रही है, 2000 का बिल हॉनर हुआ। प्रॉब्लम कंप्लीट, 10 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप लोग ने बराबर से सॉल्व किया तो, अच्छे से पूरा नरेशन लिखना है, 10 मार्क्स ले आएगा ये इतना बड़ा, हां 10 मार्क्स ले आएगा, कोरी में फिर इसके सामने हमको डिसोल्यूशन रहेगा, वो बाद में बात करते हैं अपन, है ना। तो आप भाई आपने ये
इधर जो वर्किंग की है ओल्ड बिल और ये सब वो भी करना पड़ेगा हम लोग। हाँ वो भी करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन क्या होता है मालूम है क्या, जो वर्किंग होता है ना उससे हम लोग का प्रॉब्लम रॉन्ग नहीं होता है। अच्छा हाँ, उसके मार्क्स आपको अलग से नहीं मिलेंगे, अपने विदाउट वर्किंग किया तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो वर्किंग बनाएंगे तो हमारा गलत नहीं होगा, मतलब अच्छे से समझ में आएगा, उसमें कुछ डिफिकल्टीज नहीं होंगी। क्योंकि अभी आगे क्या होगा मालूम है क्या, अपने को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे, जो बैलेंस दिख रहा है आपको 2000 पे करना है, चाहे वो इसके साथ आए, चाहे वो कैश के साथ आए, चाहे बिल के साथ आए, लेकिन इंटरेस्ट हमेशा बैलेंस अमाउंट पे ही कैलकुलेट होता है। तो बैलेंस निकालने के लिए आना चाहिए आपको, या आपको ओरली समझता है तो बहुत अच्छी बात है। एक बार आप स्टार्ट करो वर्किंग लिखना, अब जब समझ में आ जाएगा तो हम बिना वर्किंग के भी कर सकते हैं, है ना। अभी आप काम करो, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, क्वेश्चन तो आपके पास है ही, लिखने की जरूरत नहीं है आपको, 42 यहाँ लिख भी दिया ना मैंने क्वेश्चन नंबर क्या। फिर अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। निकालिए स्क्रीनशॉट। वेरी गुड आजनीन, आपने भी निकाल लिया बेटा? हाँ हाँ निकाल ली। चलो अब हम लोग एक काम करेंगे, बाजू वाले पेज में पेज नंबर 359 दिख रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 46 में आ जाइए बेटा, और लास्ट लाइन पढ़िए कि क्या पूछना चाह रहा है वो। पास दी जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ अनिल। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर कितने, 46 है ना, ये सब पहले तो मिटा देता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 46 बोलिए, इन द बुक्स ऑफ क्या है? इन द बुक्स ऑफ अनिल। इन द बुक्स ऑफ अनिल, अनिल कौन है जरा देख लो, प्रॉब्लम थोड़ा सी रीड करके। ड्रॉवर। अनिल सोल्ड किया, मतलब अनिल आगे क्या बनने वाला है, ड्रॉवर ही बनेगा, पक्की पक्की बात है। मतलब ज्यादा ड्रॉवी के समझ नहीं आएगा उन लोगों को। नहीं ड्रॉवी के भी आ सकते हैं। हाँ अभी हम लोग ना हाथ बिठा रहे हैं ड्रॉवर केस में, तो उसको उल्टा कर देंगे तो ड्रॉवी हो जाएंगे। जो कैसा होता है मालूम है क्या, पांच तरह से क्वेश्चन आ सकता है, कितनी तरह से, एक बोलेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर हम कर देंगे कोई बात नहीं, एक बोलेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी वो भी कर देंगे, एक बोलेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर उसमें ड्रॉवी का अकाउंट बनाओ, वो भी अपन करने वाले पूरे सिलेबस में कवर है। फिर बोलेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी उसमें ड्रॉवर का अकाउंट बनाओ। एक होता है मल्टीपल बिल्स होता है जिसमें ड्रॉवर बार बार जो है ना अलग अलग जगह पे अलग अलग बिल ड्रॉ करता है, उसको मल्टीपल बिल्स बोलते हैं, वन ड्रॉवर मैनी ड्रॉवी। यहाँ पे एक ड्रॉवर एक ड्रॉवर, ऐसे पांच तरह के समय अपन पूरा पूरा कंप्लीट करेंगे, है ना, समझ में आ जाएगा अपने धीरे धीरे। लेकिन कभी भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहला क्या पूछे हम लोग को देखना पड़ेगा, तो हम लोग उस हिसाब से स्टार्ट करेंगे। अभी तो इसमें बोले ना अनिल का बुक बना, चलो मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। अनिल सोल गुड्स टू रविंद्र फॉर ₹6,000 एंट्री बोलो। चलो डेट तो नहीं है, क्या करेंगे, रविंद्र अकाउंट डेबिट टू, क्या करेंगे बोलिए, सेल्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। चलो अमाउंट बोले बेटा, किसने मुझे अभी तक वो नहीं भेजा, नहीं भेजा भाई, मैं भेजता हूँ। अच्छा आपने भेजा था मुझे, अच्छा आपने नहीं भेजा, चलो नाजनी ने भेजा। फिर क्या करेंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रविंद्र अकाउंट। वेरी गुड बेटा, रविंद्र अकाउंट। हाँ रविंद्र अकाउंट। नरेशन तो आप लोग लिख लेंगे, मैं अमाउंट लिखता हूँ 6,000। अभी इजी लग रहा है ना बेटा, प्रॉब्लम करते करते इतना हाथ बिठा लेंगे इंशाल्लाह अपन के, अपने को 5-10 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा हमारा ये। उसके बाद फिर क्या है, हाँ देखिए ना, देखिए तवज्जो फरमाइए, तवज्जो फरमाइए। यहाँ पर कुछ है, मैं पढ़ता हूँ, रविंद्र एक्सेप्टेड अनिल्स बिल फॉर ₹6,000 पेएबल आफ्टर 3 मंथ। पीरियड ऑफ बिल क्या है, क्रेडिट पीरियड कितने महीने का है, 3 महीने का। चलो After a month, Anil discount the bill with his bank at the rate 10% per annum. बताओ केस 1 है या 2 है या 3 है या 4 है? केस 2 है। तो एंट्री क्या लिखेंगे बोलिए? केस 2 तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट। हाँ कैश बैंक अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट। फिर क्या करेंगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। फिर क्या करेंगे, 2 क्या चला जाता है, कैश बिल रिसीवेबल चला receivable जाता है अकाउंट। बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, चलो लिख देता हूं मैं, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। चलो आज का लेक्चर में नरेशन लिख देता हूं, कल से आपके लिए छोड़ता हूं, अगर आप जब तक पक्के नहीं होंगे जब तक मुझे लिखना पड़ेगा। चलो मुझे ये बताओ कि यहां पे कितना है बिल, बिल देखो यहां देखते हैं ना, 1000 है
यहाँ पे भी बिल में कितना आएगा, 6000 आएगा, मतलब 6000 का बिल है। चलो डिस्काउंट अभी हमें निकालना है, तो डिस्काउंट के लिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। डिस्काउंट के लिए यहाँ बाजू में वर्किंग ओपन करता हूँ, मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ। 6000 को कितना परसेंट लेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, इनटू महीना कितना आएगा बताओ। चलो 100 आएगा, अभी तो 100 हो गया ना, महीना अभी बाकी है ना। अरे हाँ, मंथ भी बाकी है, मंथ भी बाकी है ना, 3 मंथ, 3 मंथ आएगा। नाज़िन ने आप बोले बेटा 3 मंथ, ये गलत जवाब है, क्योंकि 3 महीने का तो क्रेडिट पीरियड है। अगर वो उसी दिन जाता है या उसके नेक्स्ट डे जाता है तो 3 महीने का डिस्काउंट इसको मिलता था, लेकिन इसको भी 2 महीने का डिस्काउंट देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे इंग्लिश में कैसे लिखा हुआ है, आफ्टर अ मंथ, उसको अंडरलाइन करो, मतलब क्या होता है, एक महीने के बाद ये गया। अगर अपन ध्यान से रीड नहीं करेंगे ना तो हमसे गलती हो जाएगी। मतलब एक महीने के बाद ये गया, मतलब डिस्काउंट कितने महीने का लेना है, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का। तो अभी इनटू 2 डिवाइड बाय 12 करो, तो ये जाएगा 2 1 2 6 6 6 कैंसिल। मेरे को तो सवाल सारा है, आप बताओ कितना आ रहा है। यहाँ पे भी एक बार करके देखता हूँ आपके सामने, ये हो गया 6000, उसमें लिया मैंने ये 10 डिवाइडेड बाय 100, और इसमें लिया मैंने कितना महीना, 2 डिवाइडेड बाय 12, आया बराबर 100। कैंसिल करके आपको आता है ना, 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल, तो 600 बचा। अभी 2 1 2 6 6 1 0 0, मतलब 100 रुपये बचे। तो मुझे बताओ इसको पैसे कितने मिलेंगे, 5900। स्टार किया मतलब कहाँ से आया, बैलेंसिंग फिगर है। कल के लेक्चर में डिस्काउंट बैलेंस आया था, आज के लेक्चर में बैंक बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। चलो समझा गया, मुझे बताओ 100 रुपये आए ना सबको डिस्काउंट के बराबर। हाँ सही में आ गए ये, अब ये तो समझ गया ना। मैंने ये प्रॉब्लम जानबूझ के सेलेक्ट किया पढ़ाने के लिए इतने सारों में से, क्योंकि 3 महीने का तो डिस्काउंट सबको समझेगा, 2 महीने का कैसा आएगा वो समझ में आना जरूरी है। आगे बढ़ते, चलो आगे तो पक्का डिजोनर होने वाला, फिर भी पढ़ लेंगे। रविंद्र डिजोनर इज एक्सेप्टेंस, रविंद्र ने क्या कहते हैं डिजोनर के। चलो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बोलो एंट्री, तो मैं वो लिखूंगा डिजोनर की एंट्री, तो समझ के बोलिए कौन सा केस है, क्या है क्या नहीं है। बोलिए बेटा, जब भी डिजोनर रहेगा आग बंद करके क्या करना है, इतना सोचने का ही नहीं, ड्रॉ डेबिट करना है। रविंद्र अकाउंट डेबिट, रविंद्र अकाउंट डेबिट कौन सा है, फॉरेन लिखने का सोचने का केस कौन सा था, ये बैंक का था, तो टू बैंक, बैंक अकाउंट, नोटिंग चार्ज अलग से लिखो क्या मिला के लिखो, तो ये केस टू है तो ये मिला के आ जाएगा, बराबर हो गया एंट्री खत्म। नरेशन कैसे लिखेंगे, बीइंग बिल डिजोनर, मतलब कितने का बिल डिजोनर रहेगा, 6000 का, क्योंकि बिल तो 6000 का था ना। अब क्या करेंगे, जब भी बिल डिजोनर रहेगा आएंगे या वर्किंग बनाएंगे, कैसा वर्किंग बनाएंगे, ओल्ड बिल, ओल्ड बिल कितने का था, 6000। नोटिंग चार्जेस प्रॉब्लम में है क्या नहीं, पढ़ना पड़ेगा मुझे। रविंद्र पेड 3000 टू अनिल एंड एक्सेप्ट अ फ्रेश बिल फॉर 3 मंथ फॉर द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 8% पर एनम, नहीं है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नील लिखूंगा क्योंकि नोटिंग चार्जेस प्रॉब्लम में नहीं है। फिर यहाँ पर आने के बाद क्या आएगा, 6000 लिखना पड़ेगा हमें। अब 6000 के साथ क्या क्या हो रहा है मुझे ये बताइए बच्चा लोग, कितना हमें कैश मिल रहा है, 3000 यहाँ आ जाएगा कैश में, ठीक है। अब मुझे बताओ इंटरेस्ट का पैसा कैश के साथ में आ रहा है या बिल के साथ में आ रहा है, पढ़ के बताओ। बिल के साथ में, क्या बात है, मतलब इंटरेस्ट यहाँ नहीं आएगा इस बार। उस तरफ इंटरेस्ट किधर पे आएगा, यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट। तो पहले बताओ बैलेंस कितना बचा है, तो 6 में से 3 का कैश आ गया, मतलब बैलेंस कितना बचा, 3 बचा, फिर इंटरेस्ट यहाँ पर आ जाएगा 8%। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो कल कैलकुलेट कर लेंगे। मुझे बताओ कैश तो पक्का पक्का कितना हजार आने वाला है, 3 ही आने वाला है टोटल कैश। अब बताओ मैं ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करूंगा, यहाँ करके बताता हूँ आपको मैं। पहले तो ले लेंगे हम लोग 3000 रुपये, फिर इंटू करेंगे बताओ कितना परसेंट है, 8% है, बराबर है ना, 8 डिवाइडेड बाय 100, फिर इनटू क्या करेंगे, 300 आंसर, इनटू कितना महीना लेंगे, 3 महीने लेंगे, तो 3 डिवाइडेड बाय 12। चलो ये मैंने इसका इंटरेस्ट का वर्किंग बाजू में किया है, आप लोग कैलकुलेट करके बताओ जब तक मुझे। कैलकुलेटर में नहीं करना है, खुद से करना है, कितना आया इंटरेस्ट, 1200 नहीं 60 आएगा, क्योंकि 8% है
और 3 महीना है। 2020 कैंसिल, बराबर है। फिर 3 1 3 4 जा, फिर 4 1 जा, हो जाएगा आराम से। 60 रुपए आए क्या बराबर? तीन महीना 8% है, बराबर है। 60 आ गया। तो बताओ न्यू बिल, न्यू बिल कितने का आ जाएगा? न्यू बिल बताइए। 3060 न्यू बिल यहाँ लिखता हूँ। चलिए आप मुझे एंट्री बताइए बेटा, रिन्यूअल में कौन सी एंट्री आएंगी? पहला कौन सी एंट्री पास करूँ, इंटरेस्ट चार्ज करूँ या पैसे ले लूँ? केस ए है क्या केस बी है? केस बी में पहला क्या करते हैं हम लोग, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं या पैसे लेते हो? बताइए मुझे, सोच के बताइए। याद कर लिया ना? पहले लेंगे हम लोग कैश, पहले कैश लेंगे। कैश नहीं तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या करना है हम लोगों को? पूरा विड्रॉ अकाउंट। चलो ये नरेशन तो बहुत इजी हो जाता है। बीइंग कैश रिसीव कितना लिखें? आवाज आ रही है ना मेरी बच्चा लोग? स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा अभी भी शेयर नहीं हो रही स्क्रीन? नहीं, वो कनेक्शन चला गया था अचानक से, फिर वापस आया। अभी दिख रही है? तो मैंने कैश ले लिया 3000 का। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए ड्रॉ योर अकाउंट डेबिट, रविंद्र अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे अपन? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। बोलिए कैसा आएगा यहाँ पे? अभी 60-60 इंटरेस्ट में, सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट आता है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, न्यू बिल ड्रॉन करेंगे नंबर 7 पे। न्यू बिल की एंट्री क्या आएगा बोलिए? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रविंद्र अकाउंट, रविंद्रज अकाउंट। ठीक है ना बेटा, तो ये हो जाएगा कितना? न्यू बिल 360। हाँ यहाँ पे भी कितना आएगा? 3000। चलो न्यू बिल ड्रॉ हो गया, अब देखते हैं क्या होता है आगे। आगे पढ़ेंगे बेटा, चलो आ जाएगा। आगे बोल रहा है अनिल, सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। मतलब ये जो नया बिल है ना 3060 रुपए का, उसको हम लोग ने कहाँ भेज दिया? बैंक फॉर कलेक्शन के लिए। क्या बनता है बेटा? बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भेजते तो बीएससी, मतलब बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू। क्या करेंगे बोलिए? बिल गया ना तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। कितने का बिल है बताओ? 5000 का क्या 6000 का? 5000 का नहीं, नया बिल है 3060 रुपया। 3060 रुपए का बिल गया। हाँ न्यू बिल का है, न्यू बिल का है ना, उसके साथ हो रहा है। तो भी आएगा बीइंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अभी भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है, देखते हैं क्या है आगे, कुछ हुआ क्या बाकी। हाँ ऑन द ड्यू डेट रविंद्र हॉनर्ड द बिल। चलो बताइए, ड्यू डेट के दिन बिल हॉनर्ड हुआ, और केस 4 का हॉनर्ड है, एंट्री आएगी नहीं आएगी सोच के बोलो? और आएंगी तो क्या एंट्री आएंगी? बोलो बच्चा लोग, एंट्री आएगी या नहीं आएगी? और आएंगी तो क्या एंट्री आएंगी? आएगी। चलो आएगी, क्या एंट्री आएगी वो बोलिए। आएगी हाँ, क्या एंट्री आएंगी वो भी बता दीजिए मुझे। बैंक अकाउंट। वेरी गुड, क्योंकि केस फोर बैंक में भेजा है तो डिटेल बैंक में पैसा आएगा, बैंक डेबिट। और क्या कहेगा? बैंक में खा लिया मैंने, खा चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, चार्जेस अकाउंट डेबिट।
टू क्या बी एफ सी अकाउंट, वेरी गुड बी एफ सी अकाउंट बी एफ सी, हाँ क्योंकि गिवर कौन है, बैंक फॉर कलेक्शन है, अभी तक जो पढ़ा है उसी में से ना, आप लोग ने अगर बराबर पढ़ाई की तो आंसर भी बराबर कर सकते हैं क्या, क्या लिखेंगे बीइंग बिल ऑनर्ड, अमाउंट कितना है वही हाँ, यहाँ पे तो डैश हो जाएंगे, यहाँ पे तो डैश हो जाएंगे, फिर यहाँ पे भी कैसा लगा प्रॉब्लम, तो देखिए कैसे स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं आप लोग, लास्ट का नरेशन खाली छुप रहा है, फिर हम लोग आगे नया कुछ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलो मैंने 2-3 प्रॉब्लम इससे करा लिया रिन्यूअल के, 1-2 केस हमारे बाकी है इंशाल्लाह, फिर हमारा पूरा चैप्टर हमें समझ में आने लग जाएगा। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो वेरी गुड, तो हम लोग कहाँ जा रहे पता है आपको, कहाँ जा रहे, स्माइल क्लासेस में, तो नहीं नहीं स्माइल क्लासेस में चले जाते हैं, दिख रहा है यहाँ से आप लोग जाके नोट्स लिख लेना क्या, क्या बोलते हैं उनके रिटायरमेंट ऑफ द बिल, सुनिए ना, क्या ऐसा हो सकता है कि ड्यू डेट से पहले कोई हमें पैसा लाके दे दे, हो सकता है अच्छे इंसान लोग के पास पैसा आ जाते तो लोग पहले उधार चुका देते फटाक से, है ना, तो यहाँ पे यही हो रहा है, देखो यहाँ क्या लिखा है, व्हेन अ ड्रॉबी मेक द पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ बिल, वक्त से पहले उसने लाके पैसे दे दिया तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, रिटायरमेंट ऑफ द बिल, रिटायरमेंट इज ऑल्सो मीन्स अर्ली पेमेंट ऑफ द बिल, वही मतलब होता है, बराबर है ना। अच्छा ये रिबेट क्या होता है, मैंने उसके बारे में भी लिखे थे आपको, रिबेट जो है ना एक तरह का डिस्काउंट होता है, जो कौन किसको देता है, ड्रॉवर देता है किसको, ड्रॉवी को देता है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिबेट इज वन टाइप्स ऑफ डिस्काउंट अर्न बाय ड्रॉवी फॉर मेकिंग अर्ली पेमेंट ऑफ द बिल। अभी देखो 2 बुक बनाया मैंने, इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे ड्रॉवर भी है और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी भी है, क्या बोल रहे हैं इधर देखिए, ड्यू डेट के दिन या ड्यू डेट से पहले पैसे मिलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कैश बैंक डेबिट करते हैं और हम लोग को बिल देना पड़ता है तो बिल रिसीवेबल हमसे चले जाते हैं, बराबर है ना, सुन रहे हैं आप लोग सब लोग, हाँ हाँ। अच्छा बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक एंट्री, बोलो मैं यहाँ लिख के बताता हूँ क्या आता है, कैश बैंक डेबिट हो जाता है, बराबर ना, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, फिर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमको पूरे पैसे नहीं मिलते ना बेटा, क्या जाते हैं हम लोग, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट बिल जाता है, हाँ तो हम लोग क्या करते हैं, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है ना, ये एंट्री बनती है, बराबर है। अब ये तो मैंने डिस्काउंट की एंट्री लिखा, अच्छा अब मेरे को ना हॉनर्ड की एंट्री बता बेटा, हॉनर्ड की एंट्री, ये वो बन गए हॉनर्ड की एंट्री, पैसे आ गए बिल गए तो एंट्री क्या बनी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ठीक है ना। अब क्या होगा, रिटायरमेंट में पैसे भी मिलेंगे और बिल भी जाएगा तो कैश बैंक पक्का डेबिट है, टू बिल रिसीवेबल पक्का यहाँ पर क्रेडिट होने वाला है, ठीक है ना। लेकिन समझ जाइए बिल है ना, यहाँ पे 5,000 का बिल था, कितने हजार का बिल था, 5,000 का बिल था, अच्छा अगर ड्रॉवी जब लेट पैसा देता है तो हम उसको इंटरेस्ट चार्ज करते कि नहीं, करते लेट देता तो इंटरेस्ट चार्ज करते, इंटरेस्ट चार्ज करते, लेकिन वक्त से पहले पैसा देते, समझो 3 महीने का क्रेडिट पीरियड था उसने 2 महीने में ही दे दिया तो अपने को 1 महीने का उसको भी तो रिबेट देना पड़ेगा ना, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस हो जाएगा, इसके लिए उसको डेबिट करना पड़ेगा रिबेट, ये लिखा मैंने 100 रुपया दिया समझो सामने वाले को, मैंने 100 रुपीज यहाँ ले लो 100 रुपीज, तो मुझे पैसे फिर कितने मिलेंगे, 5,900 कुछ समझा, ये एंट्री कैसा बनी, कैश बैंक डेबिट रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, अच्छा इसको डिस्काउंट क्यों नाम नहीं दे रहे, पहली बात अगर डिस्काउंट दे दिया तो बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक और किसका एंट्री सेम हो जाएगा, रिटायरमेंट का, तो थोड़ा फर्क भी रखना है ना, तो यहाँ पे रिबेट के रिटायरमेंट के लिए हम लोग ने रिबेट नाम रखना है, बराबर है,
तो ये इसका स्क्रीनशॉट निकालिए बेटा इसका। हाँ तो ये लिख के ले लेंगे ना आप लोग, या बाद में लिख लेना, आपके पास तो साइट पे तो अवेलेबल है ही, लेकिन याद के लिए कि भाई लिखना है, उसके बाद आगे बढ़ना है, प्रोसीजर रहेगा ना हमारे पास। फिर मैं रिटायरमेंट का कुछ सम निकालता हूँ, फिर हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। जाओ चलो क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं ना क्या? क्वेश्चन नंबर कितना पढ़ रहे हैं हम लोग बच्चा लोग? 43। देखते क्या है, मैंने भी पूरा देखा नहीं स्टार्टिंग से, देखते। चलो 43 स्टार्ट करो बेटा पढ़ना। लास्ट में क्वेश्चन क्या बोला है वो ध्यान से पढ़ो क्या, जैसा जैसा बोलेंगे अपन वैसा वैसा करेंगे। Give journal entries and Atul's account in the books. हाँ, use journal entries तो हम लोग करते ही हैं। And Atul का account है। In the books of? In the books of Amol. Amol. मतलब पूरा का पूरा काम किसमें करना है? In the books of Amol. ये तो clear हो गया ना कि in the books of Amol पूछा हुआ है। अच्छा, in the books of Amol तो मैंने लिख दिया। अब तो Amol ऊपर पढ़ के देखो कौन है? Drawer. तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ drawer। ठीक है बच्चा लोग, ये सब हम लोग अपडेट कर देंगे बाद में। कौन सा केस है क्या है अभी हमें पता नहीं ना। चलो आ जाइए 43 में पढ़ता हूँ मैं। अमूल ड्रॉज अ बिल ऑन अतुल। तो देखो प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? डायरेक्टली बिल ड्रॉन से। बिल ड्रॉन तो हमें भी वहीं से करना है। तो एंट्री बोलो बिल जनरल एंट्री, ये समझता है ना अपने को। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, डेबिट टू अतुल अकाउंट। ड्रॉवी का नाम आ जाएगा और ड्रॉवी कौन है? अतुल। बराबर बोला उन्होंने, अतुल अकाउंट। चलो मैं नरेशन भी लिखता चलू ताकि आपको बाद में समझे क्या हो रहा है। बीइंग बिल ड्रॉन एंड Accepted. ठीक है, अमाउंट बोलिए बेटा। 14,000। चलिए यहाँ पर भी आ जाएगा 14,000। फिर आगे बढ़ते हम लोग नंबर टू में, देखते हैं क्या है। मिस्टर अतुल एक्सेप्ट द बिल, वो तो कर दिया। द बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन मैच्योरिटी। तो बताओ क्या एंट्री आएगा? BFC का एंट्री आएगा। बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू, बिल चला जाएगा ना, तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। नरेशन बोलो। बीइंग बिल सेंड टू बैंक टू बैंक फॉर कलेक्शन फॉर कलेक्शन, अमाउंट बन जाएगा यहाँ पे कितना? 14,000। फिर आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्या है नंबर थर्ड। अतुल फाइंड हिमसेल्फ अनेबल टू मेक द पेमेंट ऑफ द बिल एंड रिक्वेस्ट टू अमूल, क्या करने के लिए क्या बोला? टू रिन्यू इट। अंडरलाइन करो रिन्यू। और वहां पे क्या लिखेंगे? डिसऑनर। क्या लिखेंगे वहां पे? डिसऑनर। चलो डिसऑनर हो गया है, तो बताओ एंट्री क्या पास करेंगे?